हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल SNP टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर कोई आईडी कार्ड बनाते हैं, अगर जब किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको सिग्नेचर डॉट वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है। तो आपको उसे सिग्नेचर को वेरीफाई करना होता है, खुद से आपको राइट का निशान लगाना होता है या फिर आपके राइट का निशान लगाते हैं, तब आपके सामने इस तरह का कोई एरर आ रहा है। जैसे वैलिडिटी आई कैन नो का एरर आ रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि सिग्नेचर एक्सपायर्ड हो गया, इस तरह कुछ एरर आ रहा है या फिर इस तरह का कुछ एरर आ रहा है। तो आप इसे वैलिड कैसे कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर को इस तरह का राइट का निशान कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों, जो लगाना चाहते हैं, लगाना जानते हैं, वो तो आसानी से लगा लेते हैं, बट कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है। वो सिग्नेचर को वैलिड वेरीफाई करने के लिए बहुत बार उसे क्लिक करते हैं बट सिग्नेचर वेरीफाई ही नहीं होता है। तो आपके लिए मैं एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिसके मदद से आप किसी भी प्रकार कोई डिजिटल सर्टिफिकेट हो या कोई आईडी कार्ड हो तो उसे राइट का निशान लगा सकते हो। अगर किसी भी प्रकार कोई एरर आ रहा है तो एडोब रीडर वाले भी डीसी वाले सॉफ्टवेयर में, तो मैं एक नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार के जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एडोब रीडर वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से पहले वो करके बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि एक कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के लिए मैं एडोब रीडर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, इस पर ओपन कर लिया और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर वैलिडिटी आई कैन नो बता रहा है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पर सो सिग्नेचर सर्टिफिकेट बताएंगे और यहाँ पर ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले भी यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया और यहाँ पर वैलिड सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर वैलिड नहीं होता, इस तरह कोई विंडो ओपन होता जाता है, इस तरह का एरर आता है और आपका सिग्नेचर वैलिड नहीं होता है। जैसे कि एक और सर्टिफिकेट यहाँ पर राशन कार्ड है, जैसे कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसको वैलिड करने का ट्राई करता हूँ तो पहले से वैलिड है तो मुझे ये जो वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं हो रहा है दोस्तों, और इसी में प्रॉब्लम आ रहा है। वो सर्टिफिकेट वैलिड हो जाता है बट ये सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं हो रहा है। अगर आपके सामने कोई इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह क्रॉस का, तो ये जो आता है वो टाइम की वजह से आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो टाइमर चल रहा है, यहाँ पर डेट आ रहा है, तो मैं इस डेट को चेंज कर दूंगा तो इस तरह का अभी PDF में शो नहीं हो रहा है इस तरह का, तो मैं अभी शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर महीना चेंज कर देता हूँ, जैसे जून ले लेता हूँ 1 जून को इस तरह। अब मैं इसे सर्टिफिकेट को ओपन करता हूँ, पहले दूसरा आइकन आ रहा था, आप क्रॉस का आइकन देख नीचे देख लीजिए, एक क्रॉस का आ गया। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ क्रॉस वाले आइकन को, तो मैं यहाँ पर डेट पे जाएंगे, टाइम पे क्लिक करेंगे तो मैं आज का जो भी डेट चल रहा है वो डेट सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर महीने के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, वैलिड यहाँ ओके कर दिया। अब फिर से इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह का आइकन आ गया, बट ये सिग्नेचर है जो वैलिड नहीं हो रहा है। मैंने पोर्ट ट्राई कर लिया, अगर मैं किसी दूसरे सिस्टम से करता हूँ तो उसमें हो जाता है बट इसमें नहीं हो रहा है। अगर किसी भाई के पास डबल सिस्टम नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप ये काम कीजिए, ये जो फायरफॉक्स रीडर, यहाँ पर फॉक्स एट रीडर वाला जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको क्रोम ओपन कर लीजिए और आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा, SNP टेक्निकल करने वाली वेबसाइट पर। इसको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको बता देंगे। इसमें ही देख लीजिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर फ्री, तो यहाँ पर क्लिक करिए डाउनलोड फॉर फ्री। जैसे यहाँ डाउनलोड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में स्टेप भी बताएंगे कैसे क्या इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है सॉफ्टवेयर पर, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा, सम टाइम आपको वेट करना होगा, फिर आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा, फिर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर बीच पर आ जाता है डबल वाला इंस्टॉल करते हैं तो आई आपको इग्नोर बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आप फिनिश कर देना। इस तरह आपका सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुल जो है इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। जो ये फॉक्स रेटर वाला जो सॉफ्टवेयर है मैंने पहले से इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करूंगा। आपको करना है तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पर स्टेप बाय देख लीजिए, फॉलो करके आप इसे आसानी से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसे जो भी आपको सर्टिफिकेट सिग्नेचर वैलिड नहीं हो रहा उस पर आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ पे जाना है। उसके बाद आपको ओपन करना होगा फॉक्स इट रीडर जो 10 वर्जन में है, इस पर ओपन कर लेते हैं इस सर्टिफिकेट को, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है जो वैलिड नहीं हो रहा, अब इसमें ये वैलिड हो जाएगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा लोड लेता है पेज ज़्यादा, यह सॉफ्टवेयर लोडिंग ज़्यादा लेता है ये पेज, तो मैं इसे यस कर देता है। कोई भी परमिशन मांगे तो उसे अलाउ कर देना है दोस्तों, इसमें नो कर देता हूँ अभी मैं इसे। जैसे कि ये सिग्नेचर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसमें आपको सो सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सो सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको जो नीचे इंस्टॉल सर्टिफिकेट आ रहा है पहले इस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए
और यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ओके कर दीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर तीनों जगह यहाँ पर क्लिक हो रखा है पहले से राइट वाला, अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर। तो मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट क्लिक कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर हाइड हो जाता है ये बटन, और फिर यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक बार अपने माउस से आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर वैलिड हो गया ऑटोमेटिक। इस तरह आसानी किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसे इंस्टॉल यहाँ पर वैलिड कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ इसी को ही, टाइम लेता थोड़ा सा, ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत लोडिंग लेता है, आपका सिस्टम थोड़ा हैवी होना चाहिए तब ये काम करेगा, बट आपका जरूर स्लो काम करेगा, बट आपका जो भी सर्टिफिकेट को वैलिड करना है वो काम हो जाएगा दोस्तों आसानी से। इस तरह आप किसी भी डिजिटल सर्टिफिकेट आईडी कार्ड को वैलिड कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।